एक आप पंगे ले रहे हो एक कंट्री के साथ जिस जो आपको तीन साइड से सराउंड करती है और आपसे कम से कम नहीं तो पता नहीं पचास सौ गुना बड़ी है वो कहते ना कि चादर देख कर पाव फैलानी चाहिए अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है वो तो बिजनेसमैन है और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस हमारा हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए तो वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ भाई आपको पैसा देना पड़ेगा बांग्लादेश से खुशी तौर पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और पूरी की पूरी मामला हुआ क्या और उसका नतीजा आज देख रहे हैं कि पूरी कौम इस वक्त जहात पे भरी हुई है वो फास्टेस्ट बूमिंग इकोनॉमी बांग्लादेश की उसका अब ये यूनुस तीन बिलियन डॉलर आई से एफ मांग रहा है मकसद अमरीका का यही था ना कुछ ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश के साथ जब गौतम अडानी ने बांग्लादेश को यह कहा कि आप 800 मिलियन डॉलर्स हमें जरा इनायत कर दें पैसे दो बिजली मिलेगी नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहने तो 80 करोड़ डॉलर गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से तो बांग्लादेश ने ये जो एनक लगाई हुई थी ना ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था वो एनक फौरी तौर पर उतर चुकी है हमारी ये मंशा नहीं है कि हम बांग्लादेशों को आम ट्विस्ट करें वाई शुडर हम क्यों करें हम किसी को क्यों करें हम कौन होते हैं किसी को करने वाले लेकिन तुम कौन होते हमसे बदतमीजी करने वाले यार तुम्हें दिया ही है तुमसे कभी लिया नहीं है ना तुम इस लायक हो कि तुम भारत जैसे देश को कुछ दो। कल एक बड़ा क्लियरली चिट्ठी ड्राफ्ट करके बांग्लादेश को भेजी है कि साहब पांच मिलियन डॉलर की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस हमारा हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए पैसे दो बिजली मिलेगी नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं लेकिन साइड लाइन गाँव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है क्योंकि क्या है ना मेन सिटीज में भी फॉरन जर्नलिस्ट है ये है वो वो तो दिखाना ही है जो इनका एडवाइजर जो इकोनॉमिस्ट है नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है उसको काम करना आता है अगर ढाका में बताएगा उसके बाद अभी एक, लोगों ने एक काउंसिल बनाया है जिसका काम रहेगा कि भाई शेख हसीना की एक्सटिशन पे भारत के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला जाए देखिए बांग्लादेश अपने आप तो ये सब कर नहीं सकता ये तो आपको पता ही है कि गहरे राज्य के टट्टू अभी मिलके गए थे ठीक है डोनाल्ड लू और ये लोग आए थे यहां पर मिलके गए थे तो वहां की तरफ से उनको एक बड़े क्लियरली इंडिकेशन आ रहे हैं कि साहब ये ये काम आपको करने हैं जरा करिए इनको नहीं तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको इसको जरा खत्म करो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि साहब भारत की तरफ से uh, कोई इसके ऊपर भी जवाब नहीं आ रहा सो यू नो प्रॉब्लम इज दैट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है यार भारत को कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू इरिटेट द कंट्री बाय मेकिंग दीज वाइल्ड स्टेटमेंट्स एंड भारत को इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा सो दिस इज समथिंग दैट दे आर नाउ काइंड ऑफ फिगरिंग आउट और इनको बहुत ही जरा ये खल रही है कहते हैं कि साहब बांग्लादेश की एक ट्रीटी है जो 2013 में साइन हुई थी और आपको ने ही साइन करी थी आ, लेकिन आपको इस ट्रीटी को मानना पड़ेगा अगर आप इस ट्रीटी को पढ़िए उसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा क्लॉज है कि साहब एक्सट्रेशन विल नॉट बी अलाउड इफ इट इज फेल्ट दैट जो फेल्टैट ऑफेंस है इज पोलिटिकल इन नेचर तो आप किसी को पोलिटिकल हाराकिरी के लिए वहां पर नहीं भेजेंगे ये बड़ा क्लियर हमारे एग्रीमेंट के अंदर है तो भारत इज जस्ट फॉलोइंग इट और यार अग्रीमेंट अग्रीमेंट बोलो छोड़ो यहां पर अगर ये बोलते हैं भाई सारा कुछ हो गया आप एक्सपेडेशन करो भारत ने सिर्फ ना बोलना है क्या करोगे उसके बाद आप चालीस हजार शेल चार हजार किलोमीटर में बांट के दस शेल पर किलोमीटर बैठ के खड़े हो जाओगे वहां पर चलो ठीक है वो भी ट्राई ट्राई कर लेते हैं

जब गौतम अडानी ने बांग्लादेश को यह कहा कि आप 800 मिलियन डॉलर्स हमें जरा इनायत कर दें तो 80 करोड़ डॉलर गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से तो बांग्लादेश ने ये जो एनक लगाई हुई थी ना ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था वो एनक फौरी तौर पर उतर चुकी है और उसके बाद पता ये चलता है कि बांग्लादेश की तरफ से जो एक डिमांड की जा रही थी कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी चेंज हो और वहां का फ्लैग भी चेंज हो तो उन्होंने कहा नो नो प्लान टू चेंज नेशनल एंथम और फ्लैग वहां के इस वक्त जो हुक्मरान है मोहम्मद यूनस साहब नोबेल लॉरिएट उन्होंने कहा है कि नो प्लान टू तो चेंज उनकी यानी हुकूमत ने कहा है कि नो प्लान कि हम नेशनल एंथम चेंज करें या हम Uh, इसका फ्लैग चेंज करें तो देखिए ये नेशनल एंथमा फ्लैग चेंज करने की बात क्यों की जा रही थी इसकी क्या हिस्ट्री है इस पर आते हैं लेकिन सबसे पहले हम गौतम अडानी साहब ने जो बम गिरा दिया है उनके ऊपर उनके सरों पर उसके ऊपर बात कर लेते हैं सर गौतम अडानी जो कि वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट मैन रिचेस्ट मैन बट अपकमिंग ट्रिलियनियर भी हैं वो गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं यानी कि बिजली का बिल तो जमा नहीं कराया ये वही हालात हैं कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं वहां पर लोग अपने ज़मीनें बेच बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के तो बिजली के बिलों की बात पहुँच गई है बांग्लादेश तक तो गौतम अडानी साहब ने फरमाया है उनको कि जनाब ऐसा करें जो नई हुकूमत आई है कि अस्सी करोड़ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें हमें अच्छा उन्होंने कोई ये नहीं किया उन्होंने लेटर लिखा है कोई ये नहीं कि उन्होंने धमकी लगाई आप इसको धमकी समझ लें तो और बात है उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की कितनी कडो साढ़े सीदा कटो नहीं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिजली का बिल कटो उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बड़े आराम से प्यार आर से उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये अस्सी करोड़ डॉलर बन चुके हैं तो हमने भी आगे अदा करने हैं हमारी भी एक कंपनी है उस कंपनी का काम यह है कि वो जब आपको बिजली देती है तो वो बिजली जहां से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है तो ऐसा करें कि ड्यूज बहुत जमा हो गए हैं पेंडिंग ड्यूज आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं तो आप पहले वो हमें दे दें ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को पहले और भी बहुत कुछ जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठे वो खामोश रहें और इस तरह की काफ़ी बातें उस तरफ से चलती नहीं तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे नई हुकूमत लेकिन जब वो कहते ना कि चादर देख कर फैलाने चाहिए एग्जैक्टली exactly. जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटें तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पाँव खुल जाए और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो जो कुमकुमे चम, चमा रहे हैं आपके मुल्क में वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है आपका हमसाया मुल्क भारत इंडिया उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है